आप सबको जय मसीह की। और आज की शाम एक बार फिर से लाइफ स्प्रिंग असेंबली हमारे इस कलीसिया के बाइबल अध्ययन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे सब जो ऑनलाइन माध्यम से इस बाइबल अध्ययन में हमारे संग जुड़े हैं, मैं आप सबका अभिवादन और स्वागत करता हूँ। हमारे पिछले बाइबल अध्ययन में मेरे भाई और बहनों, हमने बात किया था कि कैसे परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों का न्याय करेगा, और उस न्याय को दिखाने के लिए यहूदा तीन उदाहरणों को देता है। और उन तीन उदाहरणों के विषय में हमने अपने पिछले बाइबल अध्ययन में बात किया, जहाँ पर हमने देखा था कि पहले वो उदाहरण देता है उस इज़राइल के घराने के लोगों का, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, वो परमेश्वर का तिरस्कार किया, उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध गए, तो परमेश्वर ने उनका भी न्याय किया। और दूसरा उदाहरण यहूदा ने, जिसका अध्ययन हमने अपने पिछले बाइबल अध्ययन में किया, वो था वो स्वर्गदूत जिन्होंने अपने स्थान को नहीं बनाए रखा, और उनको भी परमेश्वर ने न्याय किया और उनके स्थानों से गिरा दिया। और उसके पश्चात तीसरे में यहूदा एक उदाहरण और दिया, सदोम और गमोरा का, जहां पर परमेश्वर का न्याय उन दोनों शहरों के ऊपर उतरा। और इस प्रकार यहूदा ने इन तीन उदाहरणों के द्वारा परमेश्वर का न्याय कैसे इन झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों के ऊपर उतरेगा, या परमेश्वर कैसे इन झूठे शिक्षकों का न्याय करेगा, इसका उदाहरण, इसका वर्णन यहूदा ने इन तीन उदाहरणों के द्वारा किया। और इन तीन उदाहरणों को हमने अपने पिछले बाइबल अध्ययन में हमने अध्ययन किया। और आज की शाम आइए हम यहूदा की पत्री उसके 8वें वचन की ओर बढ़ेंगे। और अगर आपको याद हो, पिछले बाइबल अध्ययन में मैंने आपसे कहा था कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, इनके कुछ गुण हैं, और कैसे हम इनको, इन गुणों को पहचानेंगे, कि क्या इनके चरित्र में वो कौन सी बातें हैं जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे शिक्षक हैं, या परमेश्वर का विरोध करते हैं। उस विषय में यहूदा 8वें वचन से बात करता है। आइए आज की शाम हम यहूदा की पत्री उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे और आगे अपने बाइबल अध्ययन में पढ़ेंगे। 8वें वचन में यहूदा इस प्रकार कहता है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। लाइकवाइज ऑल्सो दीज ड्रीमर्स डिफाइल द फ्लैश, रिजेक्ट अथॉरिटी एंड स्पीक ईवल ऑफ डिग्निट्रीज। ये अंग्रेजी में मैंने आपके लिए पढ़ा। अब यहां पर थोड़ा सा एक तरीका देखिए कि कैसे यहूदा 8वें वचन को 7वें के संग जोड़ रहा है। वो कहता है उसी रीति से, उसी रीति से मतलब किस रीति से, किस रीति को जानने के लिए आपको 7वां वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहूदा इन झूठे शिक्षकों को, इन झूठे भविष्यवक्ताओं को की तुलना कर रहा है सदोम और गमोरा से। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार सदोम और गमोरा में शरीर का पाप, व्यभिचार का पाप, समलैंगिकता का पाप पाया जाता था, उसी प्रकार इन झूठे शिक्षकों ने इन झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच भी अपने शरीर को इन्होंने अशुद्ध किया है। और इसी बात को वो 8वें वचन में कहता है, उसी रीति से, यानी सदोम और गमोरा की रीति से इन स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं। उसी रीति से, उसका कहने का मतलब है जिस रीति से सदोम और गमोरा के लोगों ने शरीर को पहला स्थान दिया, शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को पहला स्थान दिया, उसी तरीके से इन झूठे शिक्षकों ने, इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने अपने शरीरों को अशुद्ध किया है। कैसे? उन्होंने परमेश्वर की अधिकार को तिरस्कार किया, उन्होंने अपने शरीरों को अशुद्ध किया और परमेश्वर के अधिकार का तिरस्कार किया। दे डिफाइल देयर फ्लैश एंड इन रिजेक्शन ऑफ देयर गॉड्स, इन रिजेक्शन ऑफ गॉड्स अथॉरिटी। तो जूट कनेक्टेड द सर्टेन मेन विद द पीपल ऑफ सदोम एंड गमोरा इन देयर सेंसुअलिटी एंड इन देयर रिजेक्शन ऑफ गॉड्स अथॉरिटी। यानी यहूदा 8वें वचन की शुरुआत इस प्रकार कर रहा है कि वो इन झूठे शिक्षकों, इन झूठे भविष्यवक्ताओं को तुलना करता है या उनको जोड़ने की कोशिश करता है सदोम और गमोरा के लोगों से, जिन्होंने अपने शरीर की अभिलाषाओं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए अपने शरीरों को अशुद्ध किया और परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध वो खड़े हो गए, परमेश्वर के अधिकार का तिरस्कार किया। जब यहूदा इस बात को कहता है
उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी, when Jude pointed out these certain men reject authority, it meant that they wanted to be in authority. जब यहूदा इस बात को कहता है कि ये कौन, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, वो क्या बताना चाह रहा है? वो ऊंचे पद पर या परमेश्वर के दासों को बुरा और भला क्यों कहते हैं जो पहले से ही परमेश्वर की कलीसिया में उनको अगुआ ठहराया गया है? क्योंकि वो खुद उस स्थान को पाना चाहते हैं, वो खुद उस पद को पाना चाहते हैं, और इसलिए जो पहले से ही अधिकार में है, जिनको परमेश्वर ने अधिकार में ठहराया है, वो उन्हें बुरा भला कहते हैं, और उनको बुरा भला कहने के द्वारा वो परमेश्वर के अधिकार का, जो परमेश्वर ने नगुओं को ठहरा कर दिया है, उसका विरुद्ध हो जाते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। आज के दिन हमारी संस्कृति भी कुछ ऐसे ही है मेरे प्रियो। टुडे आवर कल्चर इनकरेजेस अस टू रिजेक्ट अथॉरिटी एंड रिकॉग्नाइज सेल्फ एज द ओनली रियल अथॉरिटी। हमारा आज का जो संस्कृति है मेरे प्रियो, वो भी ऐसा ही है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने उठाकर हमारे जीवनों में अगुआ ठहराया है, या हमारे जीवनों के ऊपर पास्टर्स के रूप में, लीडर्स के रूप में ठहराया है, उनको हम नहीं सुनना चाहते, उनके अधिकार के विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं और हम अपने नियमों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी लालसाओं के अनुसार जीवनों को जीना चाहते हैं। आज की हमारी संस्कृति, आज का हमारा समय ऐसे हो गया है कि हम किसी के अधीन में नहीं रहना चाहते, हम किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम खुद अधिकारी बनना चाहते हैं, खुद अपने जीवन को हम चलाना चाहते हैं, खुद जीवन में अपने अधिकारों के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार चलना चाहते हैं। आज का यही हमारा संस्कृति है। और हम कैसे करते हैं ये? हम इस बात को तब करते हैं जब पूरी बाइबल तो हमारे पास है, लेकिन कुछ वचनों को हम मान लेते हैं, और कुछ वचन जो यीशु मसीह की कठिन शिक्षाएं हैं, जो यीशु मसीह की कठोर शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को हम नहीं मानना चाहते, लेकिन जो शिक्षाएं अच्छी हैं उनको हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ वचन जो हमको अच्छे लगते हैं उनको मानते हैं, लेकिन कुछ वचन जो हमको पता है यीशु मसीह की कठोर शिक्षाएं, उनको हम जीवन में लागू नहीं करना चाहते, और इस प्रकार हम परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में ठुकराते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अपने रूल्स बना लेते हैं। जैसे आज की कहावत क्या है, माय लाइफ माय रूल्स माय वे, मेरा जीवन मेरे नियम मेरे तरीके। वी वॉन्ट टू लिव आर लाइव बाय आर ओन प्रिंसिपल्स, वी वॉन्ट टू लिव आर लाइव बाय आर ओन रूल्स, वी वॉन्ट टू लिव आर लाइव बाय आर ओन वे। हम अपने तरीके से, अपने अनुसार, अपने नियमों के अनुसार, और जो हमें अच्छा लगता है उस तरीके और उस मार्ग में जीवन को जीना चाहते हैं। आज का जीवन, आज के आधुनिक समय में लोग ऐसे ही हो गए हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में पहचानते नहीं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया है मेरे प्रिय। और इसलिए ऐसा ना होने दे कि हम परमेश्वर के अधिकार का अपने जीवनों में तिरस्कार करें, लेकिन इस बात को समझिए कि जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और बचाया, उस जीवन के ऊपर अधिकार उसी का है। तो हम इस जीवन को अपने अनुसार नहीं, अपने नियमों के अनुसार नहीं, अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अपने तौर तरीकों या संसार के तौर तरीकों के अनुसार नहीं, लेकिन उसके वचन के अनुसार जीने पाए। आप एक बात को देखेंगे, न्यायों की पुस्तक जजेस 21:25, न्यायों की पुस्तक 21वां अध्याय 25वें वचन में आप एक वचन को पढ़ते हैं इस प्रकार, एवरी मैन डिड व्हाट वाज राइट इन हिज ओन आईज, हर एक मनुष्य ने वो किया जो उसकी आंखों में उसे सही लगा। क्या आज के दिन भी यही हमारी समय नहीं आ गया, ऐसी ही संस्कृति में हम नहीं जी रहे कि लोग वही करते हैं जो उनकी नजरों में और उनकी सोच के अनुसार सही है? और इसी बात को न्यायों की पुस्तक में लिखा गया है, 21वें अध्याय 25वें वचन में, जैसा सबको ठीक लगा वैसा एक हर मनुष्य ने किया। लेकिन जब जैसा आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है, जब वैसा आप करेंगे, तो जो परमेश्वर को सही, परमेश्वर के वचन अनुसार सही है, परमेश्वर तब उन बातों को करेगा। व्हेन यू डू थिंग्स विच यू थिंक आर राइट अकॉर्डिंग टू योर ओन आईज, देन गॉड विल डू वॉट इज राइट अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। मेरे प्रियो, हम ऐसे जीवन की ओर ना बढ़े
यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं की तुलना ऐसे कर रहा है, वो बता रहा है इनको जो अच्छा लगता है ये उसका प्रचार करते हैं, इनके अनुसार जो सही है उन शिक्षाओं को ये बोलते और प्रचार में लाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम ऐसे नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के वचन के अधिकार, उस वचन के अधीन अपने जीवनों को जीना है। एक शब्द का प्रयोग यहूदा आठवें वचन में करता है, वो कहता है आठवें वचन में, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी, वो उन्हें जूड कॉल्स दिस फॉल्स टीचर्स फॉल्स प्रोफेट्स एज डे ड्रीमर्स, डे ड्रीमर्स यानी दिन में सपने देखने वालों कहकर वो यहूदा इन झूठे शिक्षकों को बुलाता है। वो कहता है ये ऐसे लोग हैं जो दिन में सपने देखते हैं, जागते हुए सपने देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज पॉसिबल दैट जूड मेंट दैट दीज सर्टेन मेन वर आउट ऑफ टच विद रियलिटी। इसका मतलब ये है कि यहूदा ये कहना चाहता है कि ये कुछ लोग, ये कौन से कुछ लोग, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता, जो वास्तविक सच्चाई है, जो वास्तविक बातें हैं, उनको उन सच्चाई से ये दूर हो चुके हैं, और जो इनके अनुसार बातें करते हैं वो सपनों में चल रही हैं। क्योंकि जो वास्तविक, क्योंकि सपना क्या है, आप वास्तविक जीवन में आप नहीं हैं, आप सो रहे हैं, आप दूसरे आयाम में हैं और आप उस सपने को देखते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो सच नहीं है, वो सपना है। उसी प्रकार से जब यहूदा इन्हें कहता है कि ये दिन में सपने देखने वाले लोग हैं, वो ये कहना चाह रहा है ये ऐसे लोग हैं जो ऐसी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं या ऐसी शिक्षाओं को सिखाते हैं जो जिनका में कोई वास्तविकता नहीं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो एक सपने की तरह है, जो रात में आता है और सुबह इंसान भूल जाता है, वो ऐसी शिक्षाएं हैं मेरे प्रिय। इसके बाद वो कहता है आठवें ही वचन में, दूसरे भाग में, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये कौन है? हम किस विषय में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन झूठे शिक्षकों के चरित्रों के विषय में, इनका चरित्र कैसे, क्या गुण है, कैसे हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के इन झूठे शिक्षकों को पहचानेंगे। तो उन चरित्र के गुणों की, इन झूठे शिक्षकों के गुणों की हम बात कर रहे हैं। वो कहता है कि ये अब ऊंचे पद वालों की बुराई करते हैं, और हो सकता है उस समय कलीसिया में ऊंचे पद में कौन लोग होते थे? प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित, उसके अगुवे कलीसिया में जो ठहराए गए हैं, है ना? तो वो इन ऊंचे पद वालों के, इन प्रेरितों के खिलाफ, परमेश्वर के चेलों के खिलाफ, परमेश्वर के अगुओं के खिलाफ बुरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पद में आना चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उन्हें लगता है उनके सपने जो झूठे हैं वो सच हैं। और मेरे प्रियो, यहूदा कहता है वो अपने अगुओं के विषय में झूठ बोलते हैं, अगुओं के, प्रेरितों के विषय में झूठ बोलते हैं। क्या आज के दिन भी हम ऐसे ही समाज में नहीं जी रहे जहां विश्वासी पासवानों के विरुद्ध बोलते हैं? हाँ, अगर कुछ गलत है आपके अगुए के जीवन में, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है वचन अनुसार सही नहीं है, तो इसकी बजाय किसी दूसरे से बात करें, आप उस अगुए के पास जाओ और उससे बोलो कि आपके जीवन में ये बात मुझे समझ में नहीं आई, या मुझे ये आपने बोला ये समझ में नहीं, आप उसको बोलो। इसकी बजाय हम दूसरों से उस बात का गॉसिप करें, इसका कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। और ऐसा ही ये लोग कर रहे थे, ये झूठे शिक्षक कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे क्या? ऊंचे पद वालों के विरुद्ध ये बात कर रहे थे मेरे प्रियो। यहूदा एक उदाहरण को नवे वचन में देता है, मैं नवे वचन को पढ़ना चाहता हूँ हमारे लिए। परंतु प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। नवे वचन में हम देखते हैं यहूदा एक उदाहरण को दे रहा है। वो उदाहरण दे रहा है कि जो सबसे ऊंचा स्वर्गदूत है, यानी माइकल खुद जो प्रधान स्वर्गदूत है, उसने भी ऊंचे पद वालों के लिए, वो ऊंचे पद वालों के लिए बुरा नहीं बोला। दैट माइकल द आर्कएंजल एज एन एग्जाम्पल ऑफ समवन हु वुड नॉट स्पीक ईवल ऑफ डिग्नेटरीज। यहाँ पर यहूदा माइकल जो प्रधान स्वर्गदूत है उसका उदाहरण देता है और कहता है माइकल जो खुद प्रधान स्वर्गदूत है वो भी उन ऊंचे पद वालों के विषय में बुरा नहीं बोलता। यहां पर नवे वचन में यहूदा दो स्वर्गदूतों के विषय में बात करता है मेरे प्रियो, दो स्वर्गदूतों के विषय में। पहला माइकल, माइकल कौन है?
माइकल वो स्वर्गदूत है, परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरा। और ये कौन है? ये स्वर्गदूत परमेश्वर का सेवक है, ताकि वो परमेश्वर के दास, परमेश्वर जो आदेश दे उस आदेश को पूरा करे और उस आदेश को जाकर मनुष्य को बताए, या जैसा परमेश्वर स्वर्गदूत को आदेश दे वो वैसा करे। और दूसरा स्वर्गदूत जिसकी बात वो करता है नवे वचन में, वो है शैतान, द डेविल। और ये शैतान उन स्वर्गदूतों में से है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और जो मनुष्य का दुश्मन है। देखिए, दो स्वर्गदूतों की बात वो नवे वचन में कर रहा है यहूदा। पहला माइकल, जो कि प्रधान स्वर्गदूत है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा और वो मनुष्यों के लिए भी विश्वास योग्य है। और दूसरा शैतान, जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और मनुष्यों, परमेश्वर का भी दुश्मन और मनुष्यों का भी दुश्मन है। ना, अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम में से कि ये स्वर्गदूत है क्या। ये अदृश्य रहने वाले परमेश्वर के दूत हैं और परमेश्वर अपनी सेवा करने के लिए इन्हें हमारे बीच भेज सकता है, या परमेश्वर अपने काम को, कि अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन स्वर्गदूतों को भेज सकता है। लेकिन कई बार परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे जीवनों में दिया है ताकि वो दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवनों और उनकी चालों को हमारे जीवनों में हराए। देखिए, याद रखिए, जो शैतान है वो एक बचाए हुए व्यक्ति को फिर से उस जीवन से या बचाए हुए जीवन से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन धोखे देकर उसके जीवन को दुष्टता या मिलावटी बना सकता है। मेरी बात को समझे, शैतान एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बचा ली गया, मन पश्चाताप किया, मन फिराया, उसको वापस वो उधार से बाहर नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या कर सकता है? वो आपके जीवन में मिलावट कर सकता है, धोखे ला सकता है, और इस प्रकार से आपको पवित्रता के जीवन से बाहर ले जा सकता है और परमेश्वर ने जो आज़ादी दी है उस आज़ादी के जीवन से बाहर ले जा सकता है, और इस प्रकार आपको अनंत जीवन को पाने से रोक सकता है। आज के दिन कई लोग ऐसे हैं जो शैतान पर विश्वास ही नहीं करते, है ना। लेकिन बाइबल इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से कहती है कि शैतान है, शैतान है। और अगर मान लीजिए वो शैतान पर विश्वास भी करते हैं तो उनके दिमाग में क्या इमेजेस आएंगी, कौन से दृश्य आएंगे? वो दृश्य जो उन्होंने पिक्चरों में देखे होंगे या कहीं चिपकाए हुए देखे होंगे, ऐसे दृश्य आते होंगे। लेकिन याद रखिए कि शैतान जैसा आप सोचते हैं ना, वैसे नहीं आएगा, दो बड़ी सींग, एक लंबी पूंछ लेकर हमें धोखा देने के लिए। लेकिन वो जानता है हमारे जीवनों में कहाँ हम सबसे कमज़ोर हैं, वो जानता है हमारे जीवनों में हम सबसे अकेले कहाँ हैं, हम कहाँ पर गिर सकते हैं। और उन अकेले स्थानों में, उन छोटे छोटे स्थानों में जहाँ हमें लगता है कोई नहीं गिरा सकता, वो आएगा, हमें परीक्षा में गिराएगा। मेरे प्रिय, तो जो आपके दिमाग में दृश्य हो सकता है, लंबी पूंछ, लंबी सींग, नहीं, शैतान आज के दिन ऐसे हमें भरमाने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं आता। वो आता है, हमारे जीवन को देखता है कि हमारे जीवन में कौन सी बातों की लालच है, कौन सी बातों की कमी है, और उन जगहों पर वो आकर हमें गिराने की कोशिश करता है। और नवे अध्याय में हम देखते हैं कि माइकल, जो परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत है, उसे नाम लेकर के बुलाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, दो स्वर्गदूतों की यहां पर तुलना है, प्रधान स्वर्गदूत माइकल जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है और मनुष्यों के प्रति भी विश्वास योग्य है, मानव के लिए भी, और शैतान जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर का शत्रु है, आज के दिन वो मानव के प्रति उसका भी बलवा करता है और मानव का भी शत्रु है। मेरे प्रियो, और यहां पर हम देखते हैं जब शैतान, नवे वचन में शैतान और माइकल जो प्रधान स्वर्गदूत है, उनके बीच मूसा के देह या उसकी शरीर को लेकर जब लड़ाई हुई, तो उनके बीच जब ये लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में भी ये प्रधान स्वर्गदूत जो है शैतान को डांटता नहीं, लेकिन इस प्रकार कहकर ये कहता है कि प्रभु तुझे डांटे। यानी माइकल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो शैतान को डांटे, लेकिन वो कह क्या रहा है कि तुझे प्रभु डांटे, जिसके पास वो सारा अधिकार है। मेरे प्रियो, है ना, तो कई बार हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवनों पर अधिकार किसका है।
और हम ये सोच सकते हैं जब ये वचन यहाँ पर आता है कि भाई शैतान और माइकल के बीच में लड़ाई हो क्यों रही थी मूसा की शरीर को लेकर के। मेरे प्रियो एक बात को याद रखिए, अगर वो शरीर माइकल को ना मिला होता तो आज के दिन वो शरीर के ऊपर भी एक दरगाह एक कब्र बन गई होती और आज भी लोग वहाँ सर झुकाने जाते। जैसे आप देखते हैं आज के दिन कई सारे बाबाओं सो कॉल्ड होली पीपल जिनको बहुत पवित्र माना जाता है, कई सारी दरगाहें कब्रिस्तानों में बनी हुई हैं, लोग वहाँ मत्था टेकने जाते हैं। तो परमेश्वर का एक उद्देश्य था उस लड़ाई में भी माइकल को भेजने का कि क्यों परमेश्वर वो बॉडी मूसा के शरीर को शैतान को नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर वो शरीर उसके हाथ लग जाता तो हो सकता है वहाँ भी एक दरगाह बन जाती जहाँ उसकी मृत्यु हुई और आज मसीह लोग भी वहाँ सर टेकने जा रहे होते मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया और वो प्रधान स्वर्गदूत जो खुद माइकल है वो कहता है मैंने शैतान को ये कहकर डांटा, ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नवे वचन में वो कहना क्या चाहता है कि अगुओं के विरुद्ध बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हो क्या रहा है आठवें वचन में, ये झूठे शिक्षक ये झूठे भविष्यवक्ता जो हैं बड़े ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो इसके बाद ही यहूदा एक उदाहरण को ले आता है ये सिखाने के लिए कि भाई देखो शैतान और जो माइकल है परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत उनके बीच भी एक झगड़ा हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ। किसके लिए? मूसा की देह को लेकर। लेकिन किस तरीके से आत्मिक उस लड़ाई को, किस रीति से उस आत्मिक लड़ाई को माइकल जो प्रधान स्वर्गदूत था उसने जीता, कैसे जीता? पहली चीज, उसने वो समझा माइकल्स फाइट इज अ मॉडल फॉर स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जब आप देखेंगे कि प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने कैसे शैतान के विरुद्ध इस आत्मिक युद्ध को जीता तो वो हम सब के लिए एक उदाहरण है। पहली चीज, वी सी दैट माइकल वॉज इन अ बैटल। पहली एक चीज को हम समझे नवे वचन में कि माइकल स्वर्गदूत जो प्रधान स्वर्गदूत है वो एक लड़ाई में था। दूसरी, वी सी दैट ही बैटल्ड इन द लॉर्ड्स अथॉरिटी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उस जब वो लड़ाई में था वो उस लड़ाई में परमेश्वर के अधिकार से लड़ा, अपने अधिकार से नहीं कि मैं प्रधान स्वर्गदूत हूं मैं तुझे डांटूंगा मैं तुझे हराऊंगा, नहीं, उसमें वो परमेश्वर के अधिकार से लड़ा। तो दो चीजें हमारे आत्मिक जीवनों के लिए भी हम माइकल के इस लड़ाई से, इस उदाहरण से यहूदा के सीख सकते हैं कि पहली चीज, जब हमारा युद्ध जैसा बाइबल में लिखा है मांस और लहू से नहीं लेकिन अंधकार उसकी शक्ति और प्रधानताओं के विरुद्ध है, जब हम आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं तो हम अपने बल और शक्ति से नहीं लड़ते मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उस अधिकार से लड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए पहली चीज जो हम इस उदाहरण से नवे वचन में सीख सकते हैं कि माइकल एक लड़ाई में था, आत्मिक लड़ाई में, मैं और आप भी आज के दिन एक आत्मिक युद्ध में है शैतान के संग। दूसरी चीज, इस लड़ाई में माइकल ने परमेश्वर के अधिकार का प्रयोग किया, ही फॉट द बैटल विद द लॉर्ड्स अथॉरिटी। हम भी अपने आत्मिक युग को, अपने आत्मिक युद्धों को परमेश्वर के अधिकार से जीतेंगे। परमेश्वर के आधार अधिकार से जब लड़ेंगे तो परमेश्वर के अधिकार से उस आत्मिक युद्ध को हम जीत जाएंगे। दिस प्रूव्स टू अस दैट माइकल इज नॉट जीसस। ये इस बात को दिखाता है कि माइकल यीशु मसीह नहीं है, माइकल सिर्फ स्वर्गदूत है और उसे भी अधिकार चाहिए हराने के लिए, और वो अधिकार यीशु से आता है, वो अधिकार परमेश्वर से आता है। लेकिन उन दिनों में ये झूठे शिक्षक ऐसी झूठे शिक्षिकाएं देते थे कि भाई हमारे पास भी अधिकार है, और इसके ऐसी शिक्षाओं के विरुद्ध। बट यू सी जीसस रिब्यूक द डेविल इन हिज ओन अथॉरिटी बट माइकल डिड नॉट। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो एक बात को देखेंगे, यीशु मसीह ने शैतान को अपने अधिकार से डांटा, लेकिन माइकल ने जब शैतान को डांटा उसके संग इस मूसा के देह के लिए शरीर के लिए लड़ा तो अपने अधिकार से नहीं लेकिन यह कहकर डांटा कि प्रभु तुझे डांटे। यानी यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, उसके पास वो अधिकार है, लेकिन माइकल परमेश्वर के द्वारा बनाया गया स्वर्गदूत है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसने शैतान के विरुद्ध परमेश्वर के अधिकार से लड़ा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आज की शाम कहना यह चाहते हैं कि माइकल अपने अधिकार में कभी भी शैतान को हरा नहीं सकता था, लेकिन उसने इस बात को पहचाना कि परमेश्वर का अधिकार उसके साथ इस लड़ाई में है, और इसलिए उसने कहा कि प्रभु तुझे डांटे, इसलिए वो अपने आत्मिक युद्ध को जीत गया मेरे प्रियम।
अब ये चीज हमें सीखनी चाहिए माइकल प्रधान स्वर्गदूत के जीवन से। जब माइकल के पास ये हिम्मत नहीं आई कि वो अपने अधिकार से शैतान से लड़े, हाउ मच मोर शुड दीस सर्टेन मैन नॉट स्पीक इविल ऑफ डिग्निटरीज। तो वो कहना ये चाह रहा है, जब माइकल जो खुद प्रधान स्वर्गदूत है उसके पास तक ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने अधिकार में शैतान से लड़े, बल्कि उसने भी ये कहकर शैतान को डांटा कि प्रभु तुझे डांटे, तो कितना ज़्यादा इन झूठे भविष्यवक्ता शिक्षक, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो झूठे शिक्षक हैं, इन्हें ये काम नहीं करना था कि ये परमेश्वर के ऊंचे पद वाले, जो परमेश्वर ने जिनको ऊंचा ठहराया, जिनको ऊंचे पद पर रखा, उनके विरुद्ध बात ना करें। लेकिन ये वैसा ही कर रहे हैं। यहाँ तक इसीलिए यहूदा ये उदाहरण लाया, जब माइकल जैसा प्रधान स्वर्गदूत भी अपने अधीन अपने पास कोई उसका अधिकार नहीं है, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर के अधिकार से शैतान से लड़ता है, तो इन झूठे शिक्षकों के पास किसका अधिकार है? वो ये कहना चाहता है, वो ये तुलना कर रहा है मेरे प्रियो। इसके बाद दसवें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, फिर दसवें वचन पर लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। दसवां वचन बहुत अच्छा वचन है, अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, But these speak evil of whatever they do not know, and whatever they do know naturally, like brute beast, in these things they corrupt themselves. So, पहली चीज़ जो हम देखें वो ये लिखा है, but these speak evil. क्या लिखा है दसवें? पर ये लोगों को जिनको नहीं जानते उनके लिए बुरा भला कहते हैं। देखिए, इनके चरित्र की बात हो रही है, किनके? झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों के चरित्र की बात हो रही है। और यहूदा ये कहते हुए शुरुआत करता है नवे वचन में, वो दिखाता है कि माइकल के पास तक ये अधिकार नहीं है कि वो शैतान के विरुद्ध कुछ कह सके, है ना। लेकिन ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता लोगों की बुराई करते हैं। ये जो अधिकार जिनको परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर अगुओं, प्रेरितों के रूप में ठहराया है, उनकी बुराई करते हैं, उनके अधिकार का तिरस्कार करते हैं, और इन ऊंचे पद वालों का बुरा भला कहते हैं मेरे प्रिय। और वो कहता है, जो इन्हें नहीं पता, जिन बातों को ये नहीं जानते उनके लिए बुरा भला कहते हैं। वॉट एवर दे डू नॉट नो, यानी इसका मतलब है ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता, जिन चीज़ों के विषय में इन्हें कुछ पता नहीं, जिन लोगों के विषय में ये कुछ जानते नहीं, उनके विषय में ये गलत सलत बोल रहे हैं मेरे प्रियो। क्या आज ऐसा हो रहा है? आप टीवी उठा के देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मेरे प्रियो इन चरित्रों को मिलाइए उन लोगों से जिनके पीछे आप चलते हैं, और आपको पता चलेगा उनमें से कई झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक हैं। एक चीज को यहां पर कहा है उसने, यहूदा ने दसवें वचन के दूसरे भाग में, वो कहता है, वट एवर दे नो नेचुरली लाइक ब्रूट बीस्ट इन दीज थिंग्स दे करेक्ट दमसेल्स। इस प्रकार, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से ही जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। यानी वो कहना क्या चाह रहा है, दीज सर्टेन मैन प्रिटेंडेड टू बी स्पिरिचुअल बट देयर ओनली नॉलेज वॉज रियली नेचुरल। फिर से रिपीट कर देता हूं, दीज सर्टेन मैन प्रिटेंडेड टू बी स्पिरिचुअल बट देयर ओनली नॉलेज वॉज रियली नेचुरल। यानी ये कुछ लोग, कौन लोग? ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता दिखावे के लिए आत्मिक दिखते हैं, लेकिन जो बातें ये कहते हैं वो बड़ी शारीरिक हैं, बड़ी प्राकृतिक और सांसारिक बातों को ये करते हैं मेरे प्रियो। दसवां वचन उसके दूसरे भाग में यहूदा इनकी तुलना करता है और कहता है, ये जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से ही जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। यानी ये दिखावा करते हैं कि ये आत्मिक हैं, लेकिन इनकी जो ज्ञान है, जिन बातों को ये बोलते हैं, जिन शिक्षाओं को देते हैं, वो शारीरिक बातें हैं, वो शारीरिक ज्ञान है मेरे प्रियो, और इसलिए ये खतरनाक लोग हैं। यहां पर मैं देखता हूं दसवें वचन में हम जाएंगे आगे बढ़कर, दसवें वचन को हमने समाप्त कर लिया है। ग्यारहवें वचन में वो तीन और उदाहरणों को यहूदा देता है। ग्यारहवें वचन में यहूदा तीन और उदाहरणों को दे रहा है,
और मैं चाहूँगा हम लोग जल्दी इस उदाहरण की ओर बढ़ें ताकि हम इन उदाहरणों को समझ पाए। मेरे प्रिय, किसके विषय में ये फिर से उदाहरण दे रहा है? पहले देखिए, याद रखिएगा, जब हमने आठवें वचन तक जब अध्ययन किया था, यहूदा ने तीन उदाहरण दिए थे कैसे परमेश्वर का न्याय इन झूठे शिक्षकों के ऊपर उतरेगा। अब जब हम 11वें वचन में आगे जा रहे हैं, फिर से यहूदा तीन उदाहरणों को देता है इन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? जो झूठे शिक्षक हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं। तीन उदाहरणों को, 11वां वचन उसका पहला भाग, उन पर हाय क्योंकि वे कौन सी चाल चले और मजदूरी के लिए बलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध कर नष्ट हो गए। 11वें वचन में हम तीन उदाहरणों को देखते हैं। 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वे केन सी चाल चले और मजदूरी के लिए बलाम के समान भ्रष्ट हुए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। तीन लोगों के विषय में वो बताता है, पहला केन, दूसरा बलाम, तीसरा कोरा। तीन पुराने नियम से तीन ऐसे लोगों का उदाहरण यहूदा लेकर के आता है जो परमेश्वर की शिक्षा या परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं रहे, उसके विरुद्ध गए, उसके विरुद्ध काम किया और कैसे परमेश्वर ने उन्हें नष्ट किया। 11वें वचन में तीन उदाहरण है मेरे प्रियो, पहला केन का, दूसरा बलाम का और तीसरा कोरा का। तो आइए पहले उदाहरण को देखें। वो कहता है, वो टू देम फॉर दे हैव गॉन इन द वे ऑफ केन, उन पर हाय क्योंकि वो केन सी चाल चले। केन्स स्टोरी इज फाउंड इन जेनेसिस चैप्टर 4। केन की कहानी को हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में देख सकते हैं मेरे प्रियो। ईच ऑफ द सन्स ऑफ एडम एंड ईव ब्रॉट एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड, और आदम और हवा के पुत्रों में से दोनों ने परमेश्वर के लिए एक भेंट लेकर के आई। और केन जो कि एक फार्मर था, किसान था, वो एक जलाने के लिए अपने किसानी में से, अपनी फसल में से कुछ लेकर के आया। और हाबिल जो कि एक चरवाहा था, वो अपनी भेड़ों में से एक बलिदान परमेश्वर के लिए लेकर के आया। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया, लेकिन केन के बलिदान का तिरस्कार किया, उसे रिजेक्ट किया, उसको नहीं ग्रहण किया। अब कईयों को ऐसा लगता है कि हाबिल भेड़ लेकर के आया, मेमना परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए लेकर के आया, उसने लहू का बलिदान किया, इसलिए परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया। लेकिन जो केन था, वो अपनी फसल का बलिदान किया, है ना? और दोनों फसलों में अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि जो हाबिल है, उसने भेड़ को काटकर परमेश्वर की वेदी पर बलिदान किया, लहू का बलिदान, और जो केन है, उसने अपनी फसल में से लाया और फसल में से जो गेहूं चावल जो था उसको परमेश्वर की वेदी पर बलिदान किया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनके बलिदानों में अंतर था, लेकिन बट द रियल डिफरेंस वॉज बिटवीन फेथ एंड अनबिलीफ। लेकिन उन दोनों की भेंटों में अंतर नहीं था। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केन की भेंट के कारण परमेश्वर ने उसकी भेंट का तिरस्कार किया। लेकिन जब आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 4थे वचन को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा उन दोनों की भेंटों को, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण किया, क्योंकि उसके पास विश्वास था। और केन की भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो अविश्वास से भरा हुआ था। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 4थे वचन में लिखा है, By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and through it he had been dead till speaks. क्या लिखा है 11वें अध्याय में इब्रानियों के 4थे वचन में? लिखा है, विश्वास के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर के लिए एक उत्तम भेंट को लेकर के आया अपने भाई केन से भी। समझे आप? विश्वास के द्वारा, यानी दोनों की भेंटों में अंतर नहीं था, लेकिन किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के सामने भेंट को रखा, उसमें अंतर है। एक भाई ने, हाबिल ने, विश्वास के संग परमेश्वर को भेंट दी सबसे उत्तम, लेकिन एक भाई ने अविश्वास के संग भेंट को चढ़ाया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। केन्स सैक्रिफाइस वॉज प्रोबेबली मोर प्लीजिंग टू द सेंसेस देन द कार्केस और डेड लैम्ब, बट हिज सैक्रिफाइस वॉज ऑफर्ड विदाउट फेथ। और हो सकता है कई बार हम सोचें कि यार
कैन का जो बलिदान था या भेंट था परमेश्वर की वेदी में, वो थे गेहूं, चावल या उसकी फसल, और वो तो उस भेड़ से बढ़ करते थे, क्योंकि भेड़ तो जल गई, उसको काटने के बाद कुछ बचा ही नहीं, राख हो गया। लेकिन ये तो था वेदी पर खाने के लिए, पूरा उत्तम, सबसे उत्तम बलिदान केन लेकर के आया। लेकिन अंतर क्या था उसके पास, जब उसने इस भेंट को परमेश्वर के सामने रखा, उसके पास विश्वास नहीं था। जब उस बलिदान को चढ़ाने के लिए वो केन परमेश्वर की वेदी के निकट आया, उसके अंदर विश्वास नहीं था, और इसलिए परमेश्वर ने इसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। यू कैन गिव टू गॉड वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर, बट यू मस्ट ऑफर इट इन फेथ। लेट मी रिपीट इट, यू कैन गिव टू गॉड वट एवर यू हैव और वट एवर यू आर, बट यू मस्ट ऑफर इट इन फेथ। आप परमेश्वर को जो देना चाहते हो दे दो, जो कुछ आपके पास है वो दे दो, जो कुछ आप हो या देना चाहते वो दे दो, लेकिन जो कुछ भी दो वो विश्वास से दो। अगर विश्वास से नहीं देंगे तो परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। उसमें लिखा है 11वें वचन में, पहला उदाहरण देते हुए झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों के लिए यहूदा कहता है, ये किसके समान है, ये केन सी चाल चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 4:5 में इस प्रकार लिखा है, दैट आफ्टर गॉड रिजेक्टेड हिज सेक्रीफाइस, केन वॉज वेरी एंग्री एंड हिज कॉन्टिनेंस फेल। ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही न्यू ही वॉज रिजेक्टेड बाई गॉड। इन अ फिट ऑफ एंगर केन मदर्ड एबल एंड देन ही लाइड अबाउट इट टू गॉड। जन उत्पत्ति की पुस्तक 4:5 में लिखा है, जब परमेश्वर ने केन का बलिदान का तिरस्कार किया, उसको ग्रहण नहीं किया, तब केन को गुस्सा आया, और उस गुस्से में, उसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसका तिरस्कार किया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को नहीं ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको नहीं ग्रहण किया, तो केन को गुस्सा आया, और उस गुस्से में उसने अपने भाई हाबिल का खून कर डाला। और जब परमेश्वर ने उससे पूछा तो उसने उस परमेश्वर से भी उस विषय में उसने झूठ बोला। यहूना की पहली पत्री 3:12 में इस प्रकार लिखा है, दैट केन मर्डर्ड हिज ब्रदर बिकॉज एबल्स वर्क्स वर राइचियस बाई फेथ वाइल केन्स ओन वर विकेड। केन, पहला यहूना की पत्री 3:12 में इस प्रकार लिखा है कि केन ने अपने भाई हाबिल का हत्या इसलिए करी क्योंकि हाबिल के काम धर्मी थे, और वो धर्मी क्यों थे, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, जबकि केन खुद दुष्ट था और उसके कामों में विश्वास नहीं था। मेरे प्रियो, तो जूड या यहूदा जब यहां पर ये कहता हाय है 11वें वचन पर, उन पर हाय है क्योंकि वह केन सी चाल चले, इसका क्या मतलब है? जूड सेज दैट केन टाइपिफाइज अ वे दैट सर्टेन मैन फॉलो इन, इट इज द वे ऑफ द अनबिलीफ एंड एम्प्टी रिलीजन विच लीड्स टू जेलेसी, पर्सिक्यूशन ऑफ ट्रूली गॉडली एंड इवेंचुअली टू मर्डरस एंगर। जब यहूदा इन झूठे शिक्षकों के, इन झूठे भविष्यवक्ताओं की तुलना को समझाते हुए इस उदाहरण को देता है और कहता है हाय है इन पर क्योंकि वो केन सी चाल चले, वो क्या कहना चाह रहा है? वो इन लोगों को केन से तुलना करता है और कहता है जैसे केन के पास विश्वास नहीं था, इन लोगों के पास भी विश्वास नहीं है। इनका कहने के लिए ये मसीह हो सकते हैं, कहने के लिए ये ईसाई हो सकते हैं, है ना, लेकिन इनका दिल खाली है, इनके अंदर मसीह नहीं है, और जो क्योंकि मसीह नहीं है इनके जीवन में, तो इनके अंदर जलन है, और जो सच्चे रूप से मसीह जीवन को जी रहे हैं, ये उनके लिए बुरा बोलते हैं, उनको सताना चाहते हैं, उनके विरुद्ध बातें करते हैं, उनके लिए गलत सलत बोलते हैं, और अंत में गुस्से में आकर ये भी इन अच्छे लोगों का जो मसीह में है हत्या करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर पहले उदाहरण में बड़ी अच्छी रीति से यहूदा ये समझा रहा है कि ये झूठे शिक्षक, इनकी शिक्षाएं खाली हैं, खोखली हैं, क्योंकि इनकी शिक्षाओं में मसीह नहीं है, इनके शिक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं है, और इसीलिए जबकि यीशु मसीह नहीं है, विश्वास नहीं है, इनके मसीह जीवन खाली है, इनके खाली नाम से ये मसीह हो सकते हैं क्योंकि ये झूठी शिक्षाएँ दे रहे हैं, नाम के मसीह हो सकते हैं लेकिन इनके जीवन खाली हैं, और इसीलिए इनके जीवनों में जलन है, गुस्सा है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनको ग्रहण नहीं करता, जो सच्चे मसीह हैं वो इनसे दूर रहते हैं, तो ये ऐसे लोगों के विरुद्ध इनके अंदर जलन है, इनके अंदर
उनको सताने की भावना है। और अंत में केन के समान वो जिसने, जैसे केन ने अपने भाई का हत्या करी, ये भी धर्मी लोगों की हत्या करना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा श्राप खाली आप देखेंगे तो वो ये होगा कि एक ऐसा धर्म जो खाली हो, जिसमें आप परमेश्वर को तो मानते हैं लेकिन उसके सामर्थ, उसकी शक्ति और उसकी शिक्षाओं का तिरस्कार करते हैं। सबसे बड़ा कर्ज होगा ये, सबसे बड़ा श्राप होगा इस पृथ्वी पर, जब आप परमेश्वर को तो मानते हैं लेकिन उसकी शिक्षाओं, उसके सामर्थ, उसकी शक्ति, उसके अधिकार का तिरस्कार करते हैं अपने जीवनों पर। मेरे प्रियो, मैनी क्रिश्चियंस आर अफ्रेड ऑफ सेकुलर ह्यूमैनिज्म और एथिज्म और द वर्ल्ड, बट डेड रिलीजन इज फार मोर डेंजरस एंड सेंड्स मोर पीपल टू हेल देन एनीथिंग। कई मसीह सांसारिक लोगों से डरते हैं, संसार से डरते हैं, लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, एक मरा हुआ धर्म कई बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो कई सारे लोगों को नर्क लेकर के जाएगा। इसलिए होने दें हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं, हाबिल की तरह। और इसीलिए यहूदा इन लोगों की तुलना केन से करता है, किन लोगों की, इन झूठे शिक्षकों की तुलना केन से करता है। क्यों? क्योंकि जैसे केन के पास विश्वास नहीं था, अविश्वास था, परमेश्वर ने उसका तिरस्कार किया, उसका भेंट को ग्रहण नहीं किया, वैसे ही ये लोग भी एक मरे हुए धर्म का प्रचार करते हैं, एक मरे हुए धार्मिकता का प्रचार करते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षाओं में, इनके प्रचार में मसीह का नाम तो है लेकिन इनके जीवनों में मसीह नहीं है मेरे प्रिय। और जिनके जीवनों में मसीह नहीं है, जिनके जीवनों में विश्वास नहीं है, उनके जीवन खोखले हैं, और इसलिए झूठे भविष्यवक्ता केन के समान है मेरे प्रियो, इनके पास विश्वास नहीं है। दूसरा उदाहरण वो 11वें अध्याय में देता है, बलाम या बालम, बिलाम का। हम सब जानते हैं, हम बड़े अच्छे रीति से गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय से 25वां अध्याय और 31वें अध्याय, गिनती की पुस्तक 22 से लेकर 25 तक और 31वें अध्याय में हम बलाम के विषय में पढ़ सकते हैं या बिलाम के विषय में पढ़ सकते हैं। जब हमें पता है निर्गमन के समय जब इसराइल के लोग मोआब में आकर के रुके और उन्होंने अमोरियों के देश को हरा चुके थे, व्हेन इजराइलाइट्स केम नियर द किंग ऑफ बलाग ऑफ मोब, जब वो मोब के देश में आकर उस राजा बलाग के विरुद्ध जाने वाले को तैयार थे, तब वहाँ के राजा ने एक भविष्यवक्ता को बुलाया जिसका नाम था बिलाम। समझ रहे हैं? तो बिलाम को इसलिए उसने बुलाया कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या करे, श्राप बोले। तो क्या हुआ, आफ्टर द फर्स्ट विजिट अनदर मोर प्रेस्टीजियस डेलीगेशन केम विद ग्रेट रिचेस, बलाम वांटेड टू गो विद देम एंड गॉड अलाउड हिम टू गो। तो जो राजा था बलाक, जो मोआब का राजा था, जिसके ऊपर इजरायली, क्योंकि इजरायलियों ने क्या किया था, अमोरियों को हरा चुके थे, अब जो बलाक जो राजा था मोब का, उसको ये डर था कि मुझे भी हरा देंगे, तो उसने क्या किया, एक डेलीगेशन को, एक समूह को भेजा कई सारे तोहफों के साथ इस भविष्यवक्ता बलाम के पास कि तुम मेरे पास आओ और इस श्राप को इसराइलियों के ऊपर बोलो। लेकिन बलाम को परमेश्वर ने कहा, आप इस बात को पढ़ सकते हैं गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 12वें वचन में, यू शैल नॉट गो विद देम, यू शैल नॉट कर्स द पीपल फॉर दे आर ब्लेस्ड। बलाम भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहता है, जब राजा बलाक उसके पास भेजता है अपने लोगों की, बुला करके लाओ उस भविष्यवक्ता को, मैं चाहता हूं वो इसराइल के लोगों पर श्राप बोले, तो परमेश्वर बिलाम से क्या कह रहा है कि तू उनके साथ मत जाना और ना ही उन लोगों को श्राप देना, क्योंकि उनको मैंने आशीषित किया है। तो फिर से, तो अब वो नहीं गया राजा के इस दस्ते के साथ, वो नहीं गया। जब दूसरी बार राजा ने फिर से एक बड़े समूह को भेजा कई सारे पैसे के साथ, तोहफों के साथ, और इस बार बलाम भी उनके संग जाना चाहता था भाई, क्योंकि तोहफे भी भेजे राजा ने, कई सारे अच्छे अच्छे लोगों को उसको बुलाने के लिए भेजा है ना। सो क्या हुआ कि परमेश्वर ने भी बलाम को जाने की अनुमति दी, लेकिन बलाम जो भविष्यवक्ता था उसके अंदर लालच आई, जब राजा ने, राजा बलाक ने पैसों को और कई सारे तोहफों को उसके लिए भेजा, तो उसके अंदर एक लालच आ गया, एंड परमेश्वर ने भी उसको, गॉड गेव हिम ओवर टू हिज ओन सिन, परमेश्वर ने अपने उस लालच के पाप के लिए बलाम को उसमें दे दिया,
परमेश्वर ने भी उसको जाने की अनुमति दी, लेकिन गॉड वॉन्ट बलाम टू टर्न बैक व्हेन ही वॉज ऑन दी वे टू सी बलाक। लेकिन उसी वक्त जब वो रास्ते में राजा बलाक से मिलने के लिए बिलाम जा रहा था, उसी वक्त परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि वो पलट कर वापस चले जाए। लेकिन उसका हार्ट, लेकिन उस बलाम, उस भविष्यवक्ता का दिल कहाँ लगा हुआ था? राजा के पैसे और तोहफों पर। तो वो जाना नहीं चाहता था, वो जाना नहीं चाहता था पलट कर। तो इसीलिए बलाम ने, यहाँ तक जब गधा, उस गधे ने भी उसको बोला और गधे ने भी चेतावनी दी कि बलाम परमेश्वर नहीं चाहता तुम वहाँ जाओ, फिर भी उसने उस गधे की भी नहीं सुनी। और बलाम जानता था कि वो गलत कर रहा है। गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 34वां वचन, ही सेड टू गॉड, आई हैव सिंड, नाउ देयरफॉर इफ इट डिसप्लीजेस यू आई विल टर्न बैक। गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 34वें वचन। बलाम इस बात को जानता था कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसने कहा इस वचन में कि मैंने पाप किया है परमेश्वर, इसलिए अगर तू प्रसन्न नहीं होता तो मैं वापस जाऊंगा। बट ही डिडंट टर्न बैक। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है और उसने ये भी कहा, प्रभु मैंने पाप किया, अगर तू प्रसन्न नहीं है तो मैं वापस जाऊंगा, लेकिन वो वापस नहीं गया। ही कंटिन्यूड, वो अपनी यात्रा को उसने जारी रखा जब परमेश्वर ने भी मना किया। और परमेश्वर ने भी देखा, जब बलाम नहीं सुन रहा है तो परमेश्वर ने भी उसके पाप, जो उसके हृदय में पाप था, उसके लिए उसको सौंप दिया। तो राजा बलाक से जब उसकी मुलाकात हुई, बलाम जो भविष्यवक्ता था, उसने 4 बार इसराइल के लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां करी, या 4 बार वो भविष्यवाणी करी। बट एज ही स्पोक फोर्थ गॉड्स वर्ड, ही डिड नॉट कर्स इसराइल। लेकिन जब जब उसके मुंह से वो श्राप देने के लिए वो बोलता था, परमेश्वर श्राप की जगह आशीषों को बाहर निकालता था। वो श्राप देने की बजाय उसने इसराइल को, लोगों को 4 के 4 बार आशीष किया। When he was success, जब वो असफल हो गया इसराइल के लोगों को श्राप देने में, तब बलाम ने राजा बलाक से, इस भविष्यवक्ता बलाम ने कहा कि कैसे वो इन लोगों को श्राप के अंदर ला सकता है। Instead of trying to have a prophet curse Israel, he should lead her into fornication and idolatry, and then God would curse his disobedient Israel. जब बलाम जैसे भविष्यवक्ता को भी समझ में आ गया, 4 बार उसने परमेश्वर के लोगों को श्राप बोलने की कोशिश करी, 4 बार वो आशीष निकली, तो उसने वो समझ गया कि जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया उनको कोई श्राप नहीं दे सकता। तो उसने राजा बलाक से क्या कहा कि राजा जी, इन्हें कोई श्राप नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये श्राप में आ जाए ये लोग, इसराइल के लोग, तो क्या करना है, इनको व्यभिचार में गिरा दो, इनको मूर्ति पूजा में गिरा दो, और इनका परमेश्वर खुद इनके ऊपर एक श्राप को ले आएगा। और क्या ऐसा हुआ, हम आगे पढ़ेंगे, तो ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। और राजा बलाक ने क्या किया, कई सारी जवान लड़कियों को इसराइल के तंबुओं में भेजा और उन्होंने उनके संग शारीरिक संबंध बनाए और कई तरीके से मूर्ति पूजा में उनको लेकर के गए, और इस प्रकार से परमेश्वर का न्याय इसराइल के ऊपर गिरा मेरे प्रिय। तो इसलिए जो बलाम जो भविष्यवक्ता था, वो सबसे बड़े पाप का दोषी ठहराया गया। वो क्या था, दूसरों को पाप में गिराना। यानी वो खुद तो पाप में नहीं, श्राप नहीं दे पाया इसराइल को, लेकिन वो दूसरों को पाप में कैसे गिराना है वो सिखाया उसने राजा बलाक को। और इसलिए, किस लिए ये सब उसने किया, पैसे के लिए, कि राजा बलाक से मुझे पैसा और तोहफे मिलेंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने फायदे के लिए दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर लालच है। और क्यों दूसरा उदाहरण यहूदा, क्यों इन झूठे शिक्षकों भविष्यवक्ताओं का बलाम से करता है, वो कहता है जिस प्रकार बलाम ने अपनी लालच के कारण, अपने फायदे के कारण दूसरों को पाप में गिराया, वैसे ही ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। ये अपनी लालच, अपने फायदे और अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरों को लालच में गिराते हैं मेरे प्रिय। इसलिए वो वहां पर बलाम का, या बलाम जो भविष्यवक्ता है, उसका उदाहरण देता है। और हम जल्दी से तीसरे उदाहरण को देखेंगे। तीसरा, इस 11वें वचन में जो तीसरा उदाहरण वो इन लोगों के लिए, इन झूठे शिक्षाओं के लिए जिसका प्रयोग करता है, वो है कोरा का। और अंतिम में वो कहता है, कोरा के समान विरोध कर नष्ट हुए। अगर आप कोरा का जो
विरोध करने की जो कहानी है गिनती की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में है। कोरा की जो विरोध की कहानी है गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय में है। और हमको पता है कि ही वॉज अ प्रोमिनेंट मैन इन इज़राइल एंड वन डे ही केम टू मोसेस सेइंग यू टेक टू मच अपॉन योर सेल्फ फॉर ऑल द कॉन्ग्रीगेशन इज होली एवरी वन ऑफ देम एंड द लॉर्ड इज अमंग देम व्हाई देन यू डू नॉट डू यू एग्जॉल्ट योर सेल्फ अबाउट द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द लॉर्ड। कोरा एंड हिज फॉलोअर्स रिसेंटेड द अथॉरिटी गॉड गेव टू मोसेस एंड आरन। मेरे प्रियो, कोरा की कहानी गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। वो आकर मूसा और हारून के विरुद्ध खड़ा हो गया, और वो जिसको परमेश्वर ने ठहराया, हारून जिसको परमेश्वर ने ठहराया, उन लोगों के विरुद्ध आकर के वो खड़ा हो गया। उसके साथ क्या हुआ? जब कोरा ने ये शब्दों को गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय 3रे वचन में बोला तो मूसा दंडवत होकर परमेश्वर के सम्मुख गिर गया, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर का न्याय जल्दी आएगा। और हुआ क्या? कोरा का जो विरोध है वो दिखाता है कि कैसे उसने परमेश्वर के चुने हुए मूसा और हारून, जो परमेश्वर के चुने हुए अगवे थे, लीडर्स थे, उनके विरोध वो गया। और उनकी तुलना यहूदा कर रहा है, जैसे कोरा परमेश्वर के चुने हुए दास मूसा और हारून के विरुद्ध गया, वैसे ही ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता ऊंचे पद वाले अगवों के विरुद्ध, शिक्षकों के विरुद्ध, पास्टर्स के विरुद्ध ये गलत सलत बोलते हैं, इसलिए वे कोरा के साथ इनकी तुलना करता है। मेरे प्रियो, हम इससे क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर का न्याय कोरा के ऊपर भी आया मेरे प्रियो, और हमें पता है कैसे परमेश्वर ने अपना न्याय कोरा और उसके साथ जितने लोग थे, परमेश्वर ने अपने न्याय को, अपने दंड को, उनका न्याय किया और परमेश्वर का क्रोध उनके जीवनों पर आया मेरे प्रियो। तीन उदाहरणों का प्रयोग यहूदा करता है 11वें वचन में झूठे शिक्षकों और झूठे भविष्यवक्ताओं के चरित्र को दिखाने के लिए। मेरे प्रियो, पहला उदाहरण क्या था? हम सब जानते हैं पहला उदाहरण। पहले उदाहरण में वो बात करता है मेरे प्रियो, वो बात करता है केन की, क्षमा करिएगा, पहला उदाहरण वो देता है केन का, कि जिस प्रकार केन के पास सब कुछ था लेकिन विश्वास नहीं था, जीवन खोखला था, वैसे इन झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ताओं के पास ये नाम तो मसीह में नाम में है लेकिन इनके जीवन खाली हैं, जीवनों में मसीह नहीं, इनकी शिक्षाएँ खोखली हैं, इनके प्रचार खोखले हैं, क्योंकि उसमें मसीह नहीं है। और उसके बाद वो दूसरा उदाहरण देता है बलाम भविष्यवक्ता का, जो अपने फायदे के लिए, अपने लालच के कारण, अपना फायदा उठाने के लिए दूसरों को पाप में गिराया। वैसे ये झूठे भविष्यवक्ता भी अपने फायदे और लालच के लिए दूसरों को पाप में गिराते हैं। और तीसरा उदाहरण उसने कोरा को दिया, और जिस प्रकार कोरा परमेश्वर के तय किए गए, नियुक्त किए दास मूसा और हारून के विरुद्ध बोला, उसी प्रकार से ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक परमेश्वर के चुने हुए दासों के विरुद्ध बोलते हैं, और इनकी शिक्षाओं के द्वारा वो उनके लिए गलत सलत बोलते हैं, उन चुने हुए दासों के लिए ये गलत सलत बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज की शाम हम इन तीनों उदाहरणों से अपने जीवन में सीखें। होने दें हमारे जीवन में मसीह पाया जाए, विश्वास पाया जाए। होने दें हम अपने फायदे और लालच के लिए काम ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन अनुसार दूसरों को ऊंचा जानकर उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करें। और तीसरा, हम लोग सच्चे मसीह होते हुए अपने अगुओं के लिए, अपने जो दास और अगुए परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराए हैं, उनके विरुद्ध ना बोलें। मेरे प्रियो, आज की शाम हम अपने बाइबल अध्ययन को 11वें वचन के साथ समाप्त करेंगे, और अपने अगले बाइबल अध्ययन में हम 12वें वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं। मेरी प्रार्थना और विश्वास यही है कि आज की शाम जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करने पाए प्रिया, और अगले हफ्ते जब हम मिलें तो आप 12वें वचन से लेकर 25वें वचन तक यहूदा की पत्री को पढ़ के आएँ, ताकि हम एक साथ मिलकर इस परमेश्वर जो अपने वचन से चाहता है वो हमें सिखाने पाए।
आप सबको जय मसीह की।